मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल दाल। ये बहुत मज़ेदार बनती है, इसका नाम है माँ की दाल। माँ की दाल जो है बेसिकली इसमें दो दालें मैंने डाली हुई हैं, 300 ग्राम जितनी मेरे पास चने की दाल है और 300 ग्राम ही मेरे पास माश की दाल है छिलके वाली। तो उसे मैंने धो करके 4 से 5 घंटे के लिए खुले पानी में रखा था और अब उसको मैं प्रेशर कुकर में यहाँ पे मैंने रख दिया है, पानी मैंने वो डिस्कार्ड कर दिया है। तो ये दालें दोनों हो गई। अब इसमें आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपने कोई दाल कम या ज़्यादा करनी है वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन 300 ग्राम मेरे पास चने की दाल है और 300 दाल ही माश की दाल है छिलके वाली। सिंपल, अब इसमें आप डालेंगे एक बड़े साइज का प्याज, उस तरीके से आपने इसको चॉप करना जिस तरीके से आप ऑमलेट के लिए करते हैं। उसके बाद इसमें आप डालते हैं इसमें अदरक, इस तरीके से आपने मोटा मोटा इसको जो है पीस लेना है। ये तकरीबन यहाँ पर मेरे पास में 3 इंच का टुकड़ा है, इससे इसका जायका बहुत ही मुख्तलिफ हो जाता है। आपको ज़रूर ये दाल ट्राई करनी है पराठों के साथ में, चावलों के शौक रखते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हरी मिर्चें इसमें जा रही हैं, इस तरीके से आपने मोटी मोटी पीस लेनी है। ये मेरे पास तीखी वाली बहुत तीखी थी इसलिए मैंने इसमें ये 4 डाली है। नमक इसमें यहाँ पे जाएगा मेरे पास जो पड़ा हुआ है 1 टीस्पून डाल रही हूँ। हल्दी इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून भर कर है। साथ ही में इसमें हम डालेंगे पानी। पानी आपने इतना ही डालना है कि दाल के ऊपर ऊपर आपको नज़र आना चाहिए, तकरीबन 1 से 1.5 इंच पर पानी होना चाहिए। तो ये तकरीबन मेरे पास यहाँ पर 7-7.5 कप जितना पानी है। इसको मिक्स करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मिक्स करने के बाद अब आप इसको यहाँ पर प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं, ठीक है। इस पर वेट रखेंगे और आपने इसको जो है बेसिकली जो इसकी कुकिंग का प्रोसेस है कुछ यूँ है कि चने की दाल आपने इतनी अच्छी तरह गलानी है कि वो बिल्कुल बीच में दाल में नज़र नहीं आनी चाहिए। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी इंशाल्लाह जब वो डन हो जाएगा। लेकिन ये कि यहाँ पर आपने अब सिंपली चूल्हे को ऑन करना है और इसको मैं यहाँ पर 20 से 25 मिनट के लिए दाल को अच्छे से गलाऊंगी कि चने की दाल बीच में अच्छे से गल जाए। अब अगर आपका हिसाब डिफरेंट है, दाल को गलाने का 15 मिनट लगते हैं 20 मिनट, वो आप उसी कैसे कर सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट दूंगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 25 मिनट के बाद जो है इस तरीके से ये दाल दिखेगी, ठीक है। और चने की दाल जो है बिल्कुल अच्छे से गल जानी चाहिए, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखें इस तरीके से। अब आपने किसी भी घोटने के साथ में या किसी चम्मच के साथ मैशर के साथ में चने की दाल को थोड़ा सा मैश कर लें अच्छे से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब जो हमने इसका तड़का एक अलहदा से तैयार करना है, उसके लिए आप देसी घी में करें, तेल वो आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं यहाँ पर इसको बना रही हूँ देसी घी में। तो मेरे पास 1/2 कप जितना देसी घी है, इसमें ज़ीरा जाएगा 2 टीस्पून, गरम घी तेल हो जो भी उसमें ड्राई स्पाइसेस अपना जायका छोड़ देते हैं, तो ये हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे लहसुन, आपने इसको इस तरीके से चॉप कर लेना है बारीक पीसेस में। 15 अदद मेरे पास लहसुन की जगह, तो उसे मैंने चॉप कर लिया। अदरक का टुकड़ा इसमें जाएगा दोबारा 1 इंच का और फ्लेम को आप यहाँ पर हाई पर ही रखेंगे और सिर्फ इतना करना है कि जो लहसुन है और अदरक को हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सुनहरा सा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें क्या जाता है। अदरक और लहसुन का कलर यहाँ पर चेंज हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे प्याज, 2 छोटे साइज़ की डाल दें या 1 बड़े साइज़ की, बिल्कुल फाइनली आपने इसे स्लाइस करना है। फ्लेम को हाई पर रखेंगे और इतना करना है कि प्याज का कलर जो हल्का सा सुनहरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है प्याज आपने इतना डार्क करना है। उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 3 दरमियाने साइज के टमाटर थे मेरे पास। टमाटर के साथ ही आपने बीच में डाल देनी है हरी मिर्चें, 3 हरी मिर्चें थी मेरे पास। और यहाँ पर अब इसके मसाले जाएंगे, तो आपको चाहिए इसके लिए धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून बिल्कुल भर कर आपको चाहिए, ठीक है। इसी भी लाल मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून, आप कम या ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक ख़ुद भी कर सकते हैं। नमक इसमें दोबारा डाल रही हूँ 1 टीस्पून, आप चख सकते हैं जब आप इसमें दाल ऐड करेंगे, अगर आपको तब भी नमक कम लगता है तो आप और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने मसाले के लिए यानी कि तड़के के लिए नमक डाला और पहले दाल में मैंने भी नमक डाला था ताकि इसमें थोड़ा सा जायका हो। तो जब इसमें दाल डालेंगे हमें पता चल जाएगा कि नमक कम है या ज़्यादा, तो इसीलिए पहले से ही ज़रा हल्का रखेंगे, उसके बाद आप इसमें और डाल सकते हैं।
डिश में ऐड करूंगी पानी एक कप जितना, इसे कवर करें और मीडियम फ्लेम पर रखकर इतना कुक कर लें कि टमाटर जैसे गल जाएं और जो तेल या घी में उसको बना रहे हैं सरफेस पर। तो देखें अभी इसका मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो कि हमारी दाल है, तमाम दाल को ऐड करेंगे इसमें। दाल को डाल लिया, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर जो मेरा होम मेड है, 1 टीस्पून डालेंगे आप इसमें। और मुझे इसमें नमक कम लगा था, मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स करती हूँ और इसको बिल्कुल अब आपने दम पर रख देना। देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ये काफ़ी गाढ़ी होती है। अगर आपको गाढ़ी दाल नहीं पसंद है तो आप इस स्टेज पर पानी डालेंगे अपने हिसाब से और फिर इसको दम पर रख देंगे ताकि जो है आपने उसको कितना गाढ़ा या पतला पसंद करना है, तो ये डिपेंड्स। अब ये कि ये देख लें, मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे मैं दम पर रखूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आँच पर, लो फ्लेम पर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका एंड रिज़ल्ट। अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसे करते हैं डिश आउट। इसी हिसाब से इसको बनाते हैं और सर्व करते वक्त जो है ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल दें, मक्खन डाल दें, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ कुक विद फायज़ा .net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।